एक तरफ जहां बुलंदशहर डीएम रविंद्र कुमार द्वारा ऑड इवन के नियम से लोगों को राहत देते हुए दुकानें खोलने के आदेश दिए गए, तो वहीं दूसरी तरफ इसके नियमों का पालन कराने के लिए अधिकारियों का काफिला भी सड़कों पर देखा जा रहा है। ये तस्वीरें बुलंदशहर के काला आम चौराहे और अनूप शहर बस अड्डे की हैं, जहां डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार सिंह मय पुलिस टीम के वाहनों की चेकिंग करते दिखाई दे रहे हैं। ये कार्यवाही उन लोगों पर की जा रही है जो अनावश्यक रूप से वाहन लेकर सड़कों पर घूमकर लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए डीएम रविंद्र कुमार द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें कि जनपद पुलिस द्वारा अनावश्यक रूप से अपनी दुकानें और शोरूम खोलकर बैठने वाले संचालकों के विरुद्ध अब तक पूरे जनपद में कुल 1,402 मुकदमे पंजीकृत किए गए, जिनमें 4,493 आरोपियों को नामित किया गया है। बुलंदशहर पुलिस द्वारा कुल 14,832 वाहनों का चालान किया गया है, जिनसे 12,30,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया, जबकि 665 वाहनों को सीज किया गया। ये कार्यवाही लॉकडाउन पीरियड के ही अंतर्गत की गई है। गौरतलब है कि बुलंदशहर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें डिबाई के मोहल्ला काजी खेल में 68 वर्षीय कैंसर पीड़ित में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा 3 पॉजिटिव सिकंदराबाद के मदन भट्ट निवासी मां बेटी में भी कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। कोरोना से मरने वाले दिनेश मित्तल की नौकरानी के बाद अब नौकरानी के पति में भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद बुलंदशहर में मरीजों की संख्या बढ़कर 119 तक पहुंच गई, जिनमें से 2 कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। राहत की बात यह है कि 81 मरीज इस वायरस से ठीक हो चुके हैं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ ब्यूरो चीफ आलम सैफी, Time24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।